हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लाया हूं आपके लिए हॉर्नबिल क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड का थर्ड पोयम, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। हम आज बात करेंगे वॉइस ऑफ द रेन के पोएट, इस पोयम में आने वाले फिगर ऑफ स्पीच और वर्ड बाई वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए। विश्वास है आपको ये पोयम जरूर समझ में आएगा। और एक और चीज़ आपको कन्फर्म कर दूँ कि वॉइस ऑफ द रेन कहने के लिए तो ये आवाज़ रेन की है, बरसात की है, बट ये आवाज़ बरसात की नहीं है, ये आवाज़ किसी और चीज़ की है। क्या है वो चीज़, क्या बरसात के अलावा व्हाट बिटमैन महोदय यहाँ पे कहना चाहते हैं अपने रीडर्स से, तो हम करते हैं कन्फर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बने रहिएगा अंत तक ताकि आपको सारे मैटर्स कन्फर्म हो जाएं। सर, वर्ड मीनिंग्स मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ, अभी मैं आपको सब दिखा रहा हूँ, कैसे क्या क्या रेन है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, फिगरेट और वर्बली दोनों, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, कंफर्म करते हैं व्हाट विटमैन के बारे में। पहले आपको पता होगा व्हाट विटमैन जो है ये द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट माने जाते हैं। महोदय जो है ये लीव्स ऑफ ग्रास जो इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, जिसमें 400 से ज़्यादा पोएम्स इन्होंने लिखा, जो 1855 से लेकर के 1891-92 तक लिखा गया। कहने के लिए लीव्स ऑफ ग्रास, याद रखिएगा लीव्स ऑफ ग्रास, घास वाला ग्रास है, GRASS, लीव्स ऑफ ग्रास, इसी का ये द वॉइस ऑफ द रेन एक कलेक्शन है। द वॉइस ऑफ द रेन सबसे पहले 1885 में पब्लिश्ड की गई, पब्लिश्ड जो थी वो एक मैगजीन में की गई थी, बट इसको द व्हाट विटमैन महोदय ने लीव्स ऑफ ग्रास के जो, अब कहने के लिए एक्चुअली होता ऐसा है कि लीव्स ऑफ ग्रास को कुछ लोग 6 एडिशन मानते हैं, किसके 6 एडिशंस हैं, कुछ 9 मानते हैं, डिपेंड करता है कैसे काउंट करते हैं। वो ऐसा है क्योंकि मैं आपको अगर समझाऊँ तो थोड़ा समझना अच्छा भी होगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो आपके पोएम से रिलेटेड हैं। जो लीव्स ऑफ ग्रास है, लीव्स ऑफ ग्रास सबसे पहले ये 1855 में लिखी गई, फिर लिखी गई 56 में, फिर 60 में, फिर 67 में, यानी 1867 ऐसे है ये, फिर 1771-72 में, यानी 1871-72 में पब्लिश की गई, फिर जो लास्ट इसका 6th जो वर्जन था वो 1881 में की गई। ऐसे हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, बट ये 6 मेन है, बट 6 के अलावा 3 times और ऐड कुछ पोएम्स किए गए, यानी कि 3 बार पब्लिश किए गए इसे 1881 के अलावा भी। उस 3 edition में क्या था, कुछ एक्स्ट्रा पोएम रखे गए, जैसे द वॉइस ऑफ द रेन ही है। द वॉइस ऑफ द रेन 1881 के एडिंग पब्लिकेशन में ऐड किया गया था, यानी कि ये जो 6 मेन हैं इसके अलावा 3 हैं जिसमें कुछ पोएम जोड़ दिए गए, इन्हीं में से कुछ को लेकर के, मान लीजिए 55 में 12 पोएम लिखे गए, फिर आगे कुछ और पोएम लिखे गए, 66 वाले पब्लिकेशन में कुछ और पोएम लिखे गए, पोएम्स अलग अलग थे, 6 में पोएम्स अलग अलग थे, लेकिन जो और 3 पब्लिश हुआ था उसमें इन्हीं में से सब पोएम्स था, लेकिन उनमें कुछ एक्स्ट्रा भी बढ़ा दी गई थी, 2-4 पोएम, जैसे कि द वॉइस ऑफ द रेन भी एक्स्ट्रा बढ़ाई गई थी 1881 वाले में। यानी कि अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट है वो 1876 है, यानी कि 1881 से पहले भी कुछ पोएम्स को ऐड करके बना दी गई थी, फिर 1888 था, और लास्ट जो था वो था 1891-92, ये उनका डेथ एडिशन माना जाता है, क्योंकि 1992 में ही इनका डेथ हुआ था महोदय व्हाट विटमैन का, क्योंकि व्हाट विटमैन 1819 में पैदा हुए थे और 92 में इनका डेथ हो गया था। तो ये 3 जो हैं ये एडिंग माने जाते हैं। तो कुछ लोग कहते नहीं 6 मेन है, कुछ लोग कहते नहीं 3, ये भी तो 3 हैं, भले ही ये उन्हीं 6 में से कुछ जोड़ के, कुछ अलग से जोड़ के रखा गया, लेकिन है तो ये भी। तो मैं अगर आपको बताऊं तो जो आपका द वॉइस ऑफ द रेन है ना, वो 1888 में पब्लिश किया गया, जो 1881 का ही एडिंग फॉर्म है, इसी में जो पोएम रखे गए थे उस पोएम को भी यहाँ लाया गया और कुछ एक्स्ट्रा पोएम इसमें डाल दिए गए, जिसमें द वॉइस ऑफ द रेन भी था। तो कहने के लिए 1855 में द वॉइस ऑफ द रेन की कंपोजिंग या पब्लिकेशन हुई, लेकिन इसका मेन जो है वो 1888 वो भी लीव्स ऑफ ग्रास के सेकेंड लास्ट पब्लिकेशन में की गई। ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा, तो कम से कम ये आपको पता होना चाहिए द वॉइस ऑफ द रेन जो है वो मेनली लीव्स ऑफ ग्रास के 1888 पब्लिकेशन से लिया गया है।
ये बता दूं मैं कि पहले पोएम में, पहले पब्लिकेशन में जो 1855 था लीव्स ग्रास का, उसमें 12 पोएम थे, लेकिन लास्ट में जाते जाते ये 400 से ज़्यादा पोएम्स हो गए। यानी कि टोटल अगर बात करें तो लीव्स ऑफ ग्रास में 400 प्लस पोएम्स हैं, जिसमें से एक आपका है द वॉइस ऑफ द रेन। हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। इससे पहले एक और चीज़ बता दूं मैं कि पूरी पोएम जो है वो पर्सोनिफाइड है, पर्सोनिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि आवाज़ रेन की, देखिए बरसात की आवाज़ नहीं होती है, बरसात के गिरने की जो भी साउंड्स होते हैं वो साउंड अलग है, वॉइस इंसान की होती है, आवाज़ इंसान की होती है, आवाज़ सजीव की होती है। बट यहाँ कवि ने रेन को एक आवाज़ दे दी है जो कि पर्सोनिफाइड है। तो जहाँ जहाँ आपको पोएम में मिलेगा आए आए आए, ये आए ये आए, वो सब आपके पर्सोनिफिकेशन है और वो रेन के लिए यूज किए गए हैं। एक चीज़ और कंफर्म कर दूं कि ये बरसात के लिए कहा गया है, बट है बैकग्राउंड में कुछ और। क्या है, हम चलते हैं नेक्स्ट में। आपको पहले मैं सब समझा दूं, उसके बाद फिर हम चलते हैं। देखिए ये है आपकी वॉइस ऑफ द रेन, क्योंकि जब बरसात होती है ना, जब गिरती है नीचे, जब अर्थ को टच करती है, तो एक अजीब सी साउंड आती है। और ये साउंड क्या कहती है, ये शायद हमें ना समझ में आए, बट ये पोएम को, पोएम में पोएट के द्वारा जरूर समझाया गया है। पोएट ने कैसे समझाया इस पोएम को, इस पोएम के सॉन्ग को, वॉइस को, वो हमें आज समझ में आ जाएगी। जो नेक्स्ट है आपकी, ये भी है वैसे ही थोड़ा सा अलग तरीके से। ये रेन जो है वो ड्रॉप हो रहा है, अर्थ पर टच कर रहा है, पेड़ पौधों को धुल रहा है, साफ़ कर रहा है, पृथ्वी के कड़ों को साफ़ कर रहा है, सब कुछ साफ़ कर रहा है। और ये कुछ कहता है, इसके कुछ आवाज़ है, वो क्या है, दर्द है उसमें या कुछ और है, हम चलेंगे नेक्स्ट में। फिलहाल ये है वर्ड मीनिंग्स। आप चाहें तो इस वर्ड मीनिंग्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपके पास वर्ड मीनिंग्स हो जाए, क्योंकि एक एक पढ़ना कन्फर्म परेशानी होगी, आप टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको शायद अंदाजा हो, तो ये वर्ड मीनिंग्स को आप कन्फर्म कर लीजिएगा। हम चलते हैं, अब शुरू करते हैं पोएम को, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, ताकि लाइन्स हम कन्फर्म कर सकें। बिल्कुल देखिएगा, हम कन्फर्म करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है हु आर दाउ। पहली बात तो ये आर्ट नहीं है, आर है, ए आई आर, और ये टी एच ओ यू जो है ये यू है, क्योंकि पहले समय में जो पोएट थे वो पुराने वर्ड्स को यूज़ किया करते थे, जो आज जो है वो करेंट क्वाइन में प्रचलन में नहीं है। तो ये क्या होते हैं, एक्चुअली ये एक और फिगर ऑफ स्पीच के नाम से इन्हें जाना जाता है, इनका एक और फिगर ऑफ स्पीच होता है जिन्हें अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं ए आर सी एच ए आई एस एम, ए आई है ये ए और आई एस एम, आर्किज्म। आर्किज्म, आर्किज्म क्या होता है, ये प्राचीन वर्ड्स को अब के पोएम में भी रखता है, या यूँ कह सकते हो आप कि वो पोएम जो पहले बनाए गए थे, जैसे कि यही पोएम 1885 का है, आज से लगभग 135-40 साल पहले का, तो तब ये वर्ड्स यूज हुआ करते थे, बट अब नहीं होते हैं। तो जो अब नहीं होते हैं उसे हम आर्किज्म कहेंगे, क्यों, क्योंकि अब ये पोएम में नहीं आते हैं, अब ये यू आता है, आर आता है ना, और अगर आ भी गया तो भी हम उसे आर्किज्म कहेंगे, क्योंकि कवि ने जो है वो पुराने शब्दों को आज के परिवेश में ढाल दिया है, मॉडर्न में एंसेंट का वर्ड्स यूज कर दिया है। तो आपको समझना है आर्किज्म फिगर ऑफ स्पीच है। ये कन्फर्म ना हो आपको कि क्या है ये आर्किज्म फिगर ऑफ स्पीच, तो मेरे वीडियो में जरूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर 5 पार्ट्स हैं वीडियो के, 50 प्लस फिगर ऑफ स्पीच हैं जो एक एक करके आपको कन्फर्म कर दी गई है, इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूर चाहिए, न केवल क्लास 11 के लिए बस, बल्कि क्लास 12 के लिए। और अगर आप अपर क्लासेस में भी इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इंग्लिश एक स्टडी के रूप में, आप सिलेबस के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम बात करते हैं अब आर्किज्म के आगे और बढ़ते हैं आगे। हु आर यू, ये कौन पूछता है और किससे पूछता है, तो कन्फर्म करते हैं कि यहाँ पोएट जो है वो पूछता है रेन से। देखिएगा, हम बात नहीं कर सकते हैं बरसात से, लेकिन कवि कर सकता है, क्योंकि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की पहुँच बहुत अंदर तक होती है ना, ये रेन तक पहुंचता है। ये जो लिखा है इसमें कि हु आर यू, कवि कहता है तुम कौन हो, सेड आई, मैंने कहा, किससे, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, वो गिरते हुए हल्के से बौछार से। यहाँ आई कवि के लिए है, लेकिन अगर अगली बार से आई आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रेन के लिए होगा, ठीक है। तो कवि कहता है कि मैं उस सॉफ्ट, उस हल्के से शोवर, उस बौछार से जो नीचे फॉल कर रहा था, गिर रहा था, यानी बरसात से, यानी रेन से, मैंने पूछा तुम कौन हो। तो कंफर्म करते रहिएगा, एस 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 जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और ये है आपका लेटर रिपीटेशन, जिसे एलिट्रेशन कहते हैं, अगर आपको पता हो, ए डबल एल आई टी ई आर ए टी आई ओ एन। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि एलिट्रेशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें से तीसरा है सिबिलांस, एस आई बी आई एल ए एन सी ई, सिबिलांस जो होता है ये तीसरा प्रकार है एलिट्रेशन का। एक पहला होता है कॉन्सोनेंस, फिर एजोनेंस, फिर सिबिलेंस। तो आपको कन्फर्म करना होगा ये तीनों के बारे में, फिर से वीडियो में आप जाइएगा, आप कन्फर्म हो जाइएगा। सिबिलेंस है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ एस रिपीट हो रहा है, जब एस रिपीट होता है, केवल एस, तो स की साउंड आती है, स से बनता है सिबिलेंस, ठीक
है तो इलिट्रेशन, लेकिन इलिट्रेशन में कौन सा है, ये सिविलियंस है, ये कन्फर्म रहिएगा आप। और भी इलिट्रेशन के फिगर आप स्पीच में मिलेंगे, आप कन्फर्म करते रहिएगा। विच जो स्ट्रेंथ टू टेल, भाई बताया उसने मुझे, अजीब लगा, मैंने पूछ तो लिया, मजाक मजाक में आप किसी कुत्ते से पूछ लो भाई तू कहाँ जा रहा है, अब अजीब आपको तब लगेगा। ये कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो उसे अजीब नहीं लगेगा, लगेगा हाँ पूछ रहा है, हो सकता है पागल ही हो। लेकिन अगर कुत्ता जवाब देना शुरू कर देगा, वो डॉग जिससे आप बात कर रहे हो वो जवाब देगा, तो जाहिर सी बात है कि वो अजीब सी लगेगी किसी को भी। तो बता करके मुझे अजीब सा लगा, आई मीन उसने मुझे बताया जो मुझे अजीब लगा, गिव मी एन आंसर, क्योंकि उसने मुझे उत्तर दिया, उत्तर वो भी कि एक रेन, ये अजीब नहीं है? एज हियर ट्रांसलेटेड, और जैसा उसने मुझे उत्तर दिया मैं यहाँ ट्रांसलेट कर रहा हूँ। देखिएगा ये एज के लगने से सिमिली नहीं होता, क्योंकि हर जगह एज के लगने से सिमिली नहीं होता, सिमिली तब होता है जब वो कंपेयर करे। यहाँ ये कंपेयर ग्रुप में नहीं, यहाँ जैसे वैसे तैसे के बारे में बात कर रहा, और यहाँ पे बिना कंपेरिजन के बता रहा है कि किस तरीके से ट्रांसलेट किया गया है उस रेन के साउंड को, रेन के वॉइस को, जो रेन ने आंसर दिया मुझे वो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, क्योंकि कवि ही समझ सकता है उस रेन की साउंड को, रेन की वॉइस को सिर्फ कवि समझ सकता है। तो कवि ने समझा, और समझ करके हमें यहाँ पे समझाने के लिए ट्रांसलेशन का यूज किया है जो उसके शब्दों में है, यानी कि इनडायरेक्टली कवि जो है ये आपको समझा रहा है, और डायरेक्टली जो है वो कवि को समझाया है रेन ने। तो जिस तरीके से कवि को समझाया, अब कवि हमें समझा रहा है ट्रांसलेट करके। क्या समझाया? अब ये शुरू होता है यहाँ से लेकर के रेन आवाज, रेन की आवाज़ है जो रेन बोलेगी, बरसात बोलेगी, बरसात कहेगी, आंसर देगी। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की गीत हूँ, मैं पृथ्वी की आवाज़ हूँ, मैं पृथ्वी की संगीत हूँ। देखिएगा यहाँ पे फिर से वही है पर्सोनिफिकेशन, आपको पता ही है पर्सोनिफाइड किया गया है, अर्थ की कोई गीत नहीं होती है फिलहाल, यहाँ पे गीत है। से द वॉइस ऑफ द रेन, ऐसा रेन की आवाज़ ने मुझसे कहा कि मैं पोएम हूँ पृथ्वी की, मैं गीत हूँ पृथ्वी की। इटर्नल आई राइज, इम्पाल्पेबल, मैं शाश्वत उठती हूँ। इटर्नल मीन्स शाश्वत, हमेशा, लॉन्ग लास्टिंग, एवर। राइज मीन्स उठती हूँ, निकलती हूँ। इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल का मतलब होता है अनटच्ड, दैट यू कैन नॉट टच, जिसे आप छू नहीं सकते, जाहिर सी बात है। कहाँ से निकलती है और कैसे इंसान नहीं छू पाता है, लिखा है आउट ऑफ द लैंड, मैं पृथ्वी से बाहर निकलती हूँ जिसे कोई छू नहीं सकता है। एंड द बॉटमलेस सी, और मैं उस बॉटमलेस सी से निकलती हूँ, थोड़ा छोटा कर दे ताकि समझ में आपको आए। तो मैं जो हूँ वो हमेशा आई राइज निकलती हूँ, बिना किसी के टच में आए लैंड के ऊपर से निकलती हूँ, मैं पृथ्वी के ऊपर से निकलती हूँ, जमीन के ऊपर से, और बॉटमलेस सी। भाई आपने सुना होगा वो जो क्या कहते हैं उसको, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जो वाटर साइक्लोन होता है, जो वाटर साइकिल होता है, जिसमें समुद्र होता है वहाँ से वेपोराइज जो होकर के जो वाटर है वो ऊपर जाता है आकाश की तरफ, वहाँ क्लाउड का फॉर्म लेता है बादलों में, फिर उसके बाद बरसात करता है। आपने अगर पढ़ा होगा साइंस में तो ये ऐसा है। तो यहाँ भी कभी ऐसे ही कुछ कहता है कि मैं निकलता हूँ कहाँ से, समुद्रों में से निकलता हूँ मैं, और लैंड्स में। लैंड क्यों? क्योंकि हो सकता है, जाहिर सी बात है समुद्र तो ठीक है वहाँ से निकलेगा, लेकिन कभी कभी होता है बरसात होती है तो बरसात के बाद जमीन पर, सतह पर, सरफेस लेवल पर पानी जम जाता है, छोटे छोटे गड्ढे में पानी जम जाता है, तो वो जमीन का नाम दिया उसको कवि ने, वहाँ से मैं निकलती हूँ, मैं बॉटमलेस सी से निकलती हूँ, वो अंतविहीन जो समुद्र है उस तलहटी से मैं निकलती हूँ, और हमेशा निकलती हूँ, और उसे कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि आप भाप को टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेपोराइज्ड होकर के जो वाटर है सी का वो ऊपर उठता है और फिर क्लाउड फॉर्म लेता है फिर नीचे आता है। दूसरा मीनिंग क्या होगा इस पोएम का मैं आपको बताऊंगा भी। अपवर्ड टू हीवन, ऊपर जाता हूँ मैं, यानी कि मैं नीचे से, समुद्र से, तलहटी से उठता हूँ और हीवन की तरफ जाता हूँ, आकाश की तरफ जाता हूँ, बादलों की तरफ जाता हूँ। हीवन का मतलब यहाँ पे आकाश की तरफ। वेंस, देखिएगा वेंस मतलब होता है फ्रॉम वेयर, ये भी आपके आपका आर्किज्म है। आर्किज्म अभी आपको लिखवाया मैंने, ARCHAISM, आर्किज्म लिखते रहिएगा, आपके पास अगर नोट पैड पेन लिए हों तो ज़्यादा बेटर होगा। वेंस मीन्स फ्रॉम वेयर, जहाँ से, वेगली फॉर्म्ड, मैं अस्पष्ट रूप से फॉर्म करती हूँ, फॉर्म इस रूप बनाती हूँ। भाई जाहिर सी बात है कि वाटर ही एक ऐसा चीज़ होता है जो गैसेस फॉर्म में होता है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वो वाटर जो सी में है वो लिक्विड फॉर्म में है ना, जब वो ऊपर उठता है तो वो गैसेस फॉर्म में होता है ना, और जब वो नीचे गिरता है, और अगर ऐसे क्षेत्र में गिरता है जो स्नो के रूप में हो, जो बर्फबारी के रूप में हो, अंटार्कटिका जैसे आपके आइलैंड्स टाइप के होते हैं, तो ऐसे जगहों पर वो एक बर्फ के रूप में क्रिएट होता है, एक सॉलिड के रूप में क्रिएट करता है। तो वो फॉर्म बदलता रहता है, लेकिन अस्पष्ट रूप से फॉर्म बदलता है, कभी भाप, कभी
लिक्विड, कभी कुछ और, तो ऐसे ऑल टुगेदर साथ ही साथ चेंज्ड, और मैं चेंज भी हो जाती हूँ। भाई जाहिर सी बात है कि इसका परिवर्तन है, परिवर्तन करती है ये वाटर, अपने रूप को बदल देती है लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड में, एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं सेम हूँ, क्योंकि फिर भी मैं जल हूँ, मैं रेन हूँ, मैं बारिश हूँ, मैं बरसात हूँ, मैं किसी भी रूप में आ जाऊँ, लेकिन हूँ सेम। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि ये बरसात जो है नाम रेन का है, लेकिन ये इंसान के बारे में बात कर रहा है। वो कवि कहता है खुद के लिए, इंसान जो होता है वो ऊपर उठता है समुद्र से, यानी कि नीचे से, यानी कि गरीबी से, यानी कि आप कह सकते हो कि ऐसे जगह से, ऐसे मलिन बस्तियों से ऊपर उठता है जहाँ पर रहने, खाने, सोने, पीने के जगह नहीं होते हैं, यानी कि चीज़ें उसके आउट ऑफ रीच होती है, लेकिन ऊपर उठता है वो, आकाश की तरफ उठता है वो, स्वर्ग की तरफ उठता है वो, ऊंचाई पर उठता है, प्रोग्रेस करता है, उन्नति पर जाता है, अच्छे जॉब्स पाता है, उसके लोग कद्रदान होते हैं, बहुत सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऊपर उठता है। वहाँ से भी वो रूप बदलता रहता है, क्योंकि इंसान के रूप तो बदल जाते हैं ना, जब वो गरीबी से उठता है और अमीर हो जाता है, कुछ कुछ छोड़ करके मैक्सिमम जो है वो अपना ये बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, क्योंकि लोगों का काम ही है लोगों को ठगना, है ना। तो ये रूप चेंज कर लेता है, ये बदल जाता है, जैसे बरसात का रूप बदल जाता है, वैसे इंसान जब ऊपर उठता है, उन्नति के मार्ग पर चलता है, तो वो बदल जाता है। लेकिन यहाँ अंतर एक और है, बरसात सेम रहता है बट इंसान सेम नहीं रहता। यहाँ पर एक व्यंग किया गया है, एक आयरोनिकल सचार मारी गई है महोदय हमारे वाच विचमैन के द्वारा, जहाँ बरसात सेम रहती है वही इंसान सेम नहीं रह पाता, वो बदल जाता है, तो फिर नीचे नहीं आना चाहता, जबकि उसे पता है कि अगर विपत्ति का समय आएगा तो मैं अगर पहाड़ पर चढ़ा हूँ तो नीचे तो उतरना ही पड़ेगा, और जब उतरूँगा तो उन्हीं लोगों से मुझे मिलना पड़ेगा जिन लोगों से मैं इस समय नफरत करता हूँ। तो यहाँ पे बरसात पता है कि वो जहाँ से उठ रही है फिर से वहीं गिरेगी, फिर उसी समुद्र में जाएगी, इसलिए उसे पता है अपनी औकात, इसलिए वो सेम है, बट इंसान को नहीं पता होती है, इसलिए इंसान सेम नहीं रहते। फिर से आते हैं हम कविता, जो मेन इसका पॉइंट है, कविता का जो आपको दिख रहा है मैटर, इन्फॉर्मेशन वो देता हूँ मैं, जो बैकग्राउंड है वो आप समझते रहिएगा। आई डिसेंड, मैं उतरती हूँ टू लैव, लैव मीन्स होता है, आप अगर देखो ध्यान से वर्ड मीन्स में भी आपने लिखा होगा कि लैव का मतलब होता है वॉश करना, ठीक है। मैं उतरती हूँ, भाई अब देखिए चढ़ने का काम हो गया, अपवर्ड हो गया, अब डिसेंडिंग हो रही है, तो ऊपर जाती हूँ मैं, लेकिन अब नीचे उतरती हूँ मैं वॉश करने के लिए। किसको वॉश करती हूँ मैं? ड्राफ्ट्स को, सूखे क्षेत्रों को, एटॉमीज को, छोटे छोटे कणों को, डस्ट लेयर्स, धूल के कणों को, ऑफ द ग्लोब, पूरे के पूरे ग्लोब को, पूरे के पूरे विश्व को, विश्व के धरती के जितने भी गंदगियाँ हैं, जो डस्ट के लेयर्स। जाहिर सी बात आपने देखा होगा कि ये अप्रैल में अगर हम इंडिया की बात करें, जून, तो धूल के कण ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, सूखा सूखा सा पड़ जाता है, लेकिन जब ये बारिश होती है ना तो पेड़ पौधों, घरों और बाकी पूरे के पूरे खेत खलिहान में जो डस्ट लगे होते हैं, छोटे छोटे जो गंदे कण होते हैं, वो धूल दिए जाते हैं इस बारिश के कारण, बारिश के द्वारा, अगर हम कंफर्म करें तो। और ड्रॉप्स, और जाहिर सी बात है जहाँ सूखा पड़ा हुआ होता है उस सूखे हुए पड़े जगह को भी ये धूल देती है और भर देती है, और फिर से वो सूखा जो था वहाँ से सूखापन खत्म हो जाता है। एक अच्छी सी फीलिंग आती है यहाँ पे रेन को भी, कि मैं जहाँ से निकली हूँ मैं वहीं कुछ दे करके जा रही हूँ। इंसान के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो जहाँ से निकलता है वहाँ कुछ नहीं देता, वो सिर्फ लेता है उनसे भी, यानी कि वो भले गरीब रहा हो लेकिन गरीबी से जब वो अमीरी की तरफ बढ़ता है तो सिर्फ अमीरों से दोस्ती करना चाहता है, अमीरों से ताल्लुकात रखना चाहता है, इवन वो अपने माँ बाप को भूल जाता है जो उनको पाले हैं, उनको वो शायद हेय दृष्टि से देखे या उनको अपनाने से वो किनारा कसे, यानी कि कह सकते हो आप कि जब एक इंसान बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेन है, बड़ा हुआ, ऊपर गया, वहाँ से नीचे आया और वो सारे गंदगियों को पृथ्वी की, उस पृथ्वी के जिस पृथ्वी से उसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन उसका है वो पृथ्वी, वहाँ से निकलता है, फिर आता है और सारे गंदगियों को पृथ्वी के धुल देता है। एंड ऑल दैट इन देम, और इन सब में, उनमें, विदाउट मी, बिना मेरे, वर सीड्स ओनली, ये केवल सीड्स हैं, केवल बीज हैं, लेकिन इनमें एक और चीज़ है, वो अपनी क्वालिटी यहाँ बता रहा है, रेन बता रही है कि इन सब में, ये जो पृथ्वी है, जो और भी चीज़ें हैं पृथ्वी पर, अगर मैं ना रहूँ तो ये केवल सीड्स हैं। जाहिर सी बात है बिना बरसात के आप खेतों में क्या कर सकते हो, बीज डाल सकते हो, लेकिन वो पेड़ नहीं हो सकते, वो पौधे नहीं बन सकते। आपने सुना भी होगा कि सीड्स में एक प्लांट बनने की गुड़ होती हैं, लेकिन वो गुड़ कब होगा, जब उसे वर्षा, जब उसे सूर्य की रोशनी, बहुत चीज़ें मिलेंगी, तब जा करके वो सीड्स जो है वो प्लांट के रूप में फॉर्म करेगा। बट यहाँ पे साफ साफ रेन कहता है कि बिना मेरे ये जो बाकी चीज़ें हैं ना पृथ्वी पर, वो केवल सीड्स हैं और ये लैटेंट हैं, ये हिडन है,
अनबॉर्न, ये पैदा नहीं हुए हैं, ये हिडन है, इनके पास क्वालिटी है, इनके पास क्षमता है पेड़ बनने की, वो क्षमताएं हैं लेकिन वो हिडन क्षमताएं हैं क्योंकि अभी वो सीड्स के रूप में है, वो छिपी है, सीड्स में एक प्लांट छिपा हुआ है अनबॉर्न जो पैदा नहीं हुआ है बिना मेरे, लेकिन जैसे ही मैं गिरती हूँ वो प्लांट बनता है, अंकुरित तो होता है, वो सीड से प्लांट के बनने की, ट्री बनने की प्रोसेस में होता है वो। तो मेरे बिना केवल चीज़ें निर्जीव सी हैं पृथ्वी पर, एंड फॉर एवर, और हमेशा हमेशा, बाई डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ, मैं जिंदगी देती हूँ टू माई ओन ओरिजिन, मैं खुद के अपने उत्पत्तिकर्ता को, जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ से बनाई गई हूँ, उस समुद्र से, उस लैंड से जहाँ से निकलती हूँ, मैं दिन रात हमेशा उसे जीवन देती हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे पर गिरेगा ये, जहाँ जहाँ ये बरसात होगी, वहाँ वहाँ नया जीवन मिलता रहेगा। जाहिर सी बात है कि बिना बरसात के, बिना जल के पेड़ पौधे जो हैं वो केवल सीड्स हैं, वो सूख जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो वो उन पेड़ पौधों को जो ज़मीन पर हैं, उन समुद्र को जहाँ से निकलती है, जो इसके जन्मदाता है, ये उसे खुश कर देती है। लेकिन इंसान क्या करता है, जहाँ से निकलता है, जिस गांव से, जिस समाज से, जिस जात से, जिस धर्म से, जिस माँ बाप से, जिस दोस्तों के साथ, उनको फिर से ये दिन रात, एक घंटा, दिन रात क्या, एक घंटा भी ये उनको नहीं देना चाहता, उनको जीवन क्या, उनको एक अंश भी अपने कमाई का वो देना नहीं चाहता। लेकिन ये है रेन, सीखना चाहिए रेन से इंसान को कि क्या है उत्पत्तिकर्ता, कहाँ से निकले और कहाँ जाए, और फिर जाके फिर कहाँ आए, और फिर किस तरीके से वो अपने उस कर्ज को वो चुकता करे, जहाँ से वो एक बार अपने अस्तित्व को बरकरार रखी थी। यानी इस तरीके से जो यहाँ रेन है वो खुद को कन्फर्म करती है कि मैं जहाँ से निकली हूँ वहाँ फिर से अपने जीवन को दे देती हूँ, और उन चीज़ों को जहाँ पर मैं गिरती हूँ उनको भी नया जीवन देती हूँ, क्योंकि मेरे बिना ये चीज़ें अधूरी हैं। हम चलते हैं लास्ट में, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और मैं इन्हें प्योर करती हूँ, खूबसूरत करती हूँ। जाहिर सी बात है कि मैं अपने उत्पत्तिकर्ता को, अपनी लैंड को मैं और भी प्योर करती हूँ, क्योंकि बरसात जब होती है पेड़ पौधों पर जो डस्ट के लेयर्स होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, हर जगह साफ़ सफाई दिखती है, क्योंकि हर जगह इंसान साफ़ सफाई नहीं कर सकता। तो जहाँ जहाँ ये गिरती है प्योर करती है और खूबसूरत करती है। अब यहाँ पे इतना तो कह दिया, आप अगर बात करें रेन की बातें इतनी हो गई। अब ये जो ब्रैकेट में है ये कब कहता है, उसके जो हिडन मीनिंग्स हैं रेन के, वो कब यहाँ बताना चाहता है कि क्या रेन वास्तव में रेन कहना चाहती है। फॉर सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग के लिए जो वॉइस है वो सॉन्ग है, क्योंकि आपने अभी देखा पोएम ऑफर, पोएम माने गीत, गीत माने सॉन्ग, सॉन्ग के लिए इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, ये अपने बर्थ प्लेस से इश्यू होती है, ये अपने बर्थ प्लेस से जारी होती है, जहाँ से ये गीत निकलती है, जहाँ से बरसात निकलती है, जहाँ से इंसान निकलता है, जहाँ से ये बर्थ प्लेस से अपने इश्यू होता है, जारी होता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, सारी चीज़ों को पूरा करके, अपने जीवन को पूरा करके, अपने एम को पूरा करके, वांडरिंग, घूमते हुए यहाँ वहाँ, जैसे बरसात होती है वेपराइजेशन होकर के वेपर होता है, फिर क्लाउड फॉर्म लेता है, यहाँ वहाँ घूमता है, बादल, काले काले बादल यहाँ वहाँ घूमते हैं, आपने देखा होगा जब बरसात होती है उमड़ उमड़ के बादल आते हैं, जाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, रिग्ड और अनरिग्ड, तो ऐसे हर चीज़ होता है। ऐसे इंसान भी यहाँ वहाँ घूमता है जॉब के लिए, अपने हर चीज़ को पूरा करता रहता है, जब वो बर्थ प्लेस से अपने इश्यू होता है, माँ बाप से पैदा होता है, फिर चीज़ों को पूरा करता है, फिर यहाँ वहाँ घूमता है और भी चीज़ों को पूरा करने के लिए जॉब के चक्कर में। रिग्ड और अनरिग्ड, रिग्ड अनरिग्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, रिग्ड अनरिग्ड का मतलब अगर आप देखें अपने वर्ड मीनिंग्स में तो रिग्ड मतलब होता है केयर्ड अबाउट, जिसका ध्यान दिया जा सके, और अनरिग्ड मतलब होता है जिसका ध्यान ना दिया जा सके, यानी केयर्ड और अनकेयर्ड, यानी कि आप इसकी केयर करो या ना करो। कुछ लोग कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, यानी कि माँ बाप ने हमारा ध्यान नहीं रखा, तो जब माँ बाप ने हमारा ध्यान नहीं रखा तो हम भी माँ बाप को ध्यान नहीं रखते, ऐसा हमारा जो होता है वो एक्सक्यूज होता है, यानी कि लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जिसने हमारा ध्यान दिया हम उसी का ध्यान देंगे, माँ बाप ने हमें गरीब पैदा किया, गरीब हमने हमें छोड़ दिया, हमारा ध्यान नहीं दिया इसलिए हम इनका ध्यान नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर कवि कहता है इस पोएम के माध्यम से, रेन के माध्यम से, कि भले वो रेन या सॉन्ग को ध्यान दिया गया हो या ना दिया गया हो, ये डली विद लव रिटर्न्स, ये पूरी तरह से, डली मीन्स कम्प्लीटली, पूरी तरह से ये लव रिटर्न्स करती है, पूरी तरह से ये प्रेम लौटा देती है लोगों को, जहाँ से पैदा होती है ये गीत, वहाँ से यहाँ वहाँ जाने के बाद, पूरी करने के बाद, उसके बाद चाहे इसका ध्यान रखा गया हो चाहे ना, ये पूरी तरह से प्रेम लौटा देती है। ये ऐसे ही होता है हमारा रेन, ये रेन भी जाता है ऊपर, यहाँ वहाँ घूमता है, इसका केयर करो चाहे ना करो, पूरी तरह से ये वापस आकर के अपने प्रेम को लौटा देता है, पेड़ पौधों को, बीजों को, हर एक चीज़ को, इंसान को खुश कर देता है। ऐसे इंसान को भी चाहिए, चाहे उसकी देखभाल कोई किया हो चाहे ना, उसे अपने ओरिजिन वाले को, स्थान को, अपने लोगों को खुश करना चाहिए, पूरी तरह से प्रेम उनका लौटा देना चाहिए, भले ही उनका लोगों ने केयर किया हो या ना। हाँ, कुछ फिगर ऑफ स्पीच इसमें और है जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो
जी, पर्सनिफिकेशन मैंने आपको बोला कि पूरी पूरी पोएम पर्सनिफिकेशन है, दूसरा आपको आर्केइज्म मिला, तीसरा मैं अगर बताऊं आपको तो यहाँ पे लिखा है फार्म्ड, जो फार्म का है फार्म्ड किया गया है। आपको लगेगा ये सच में फार्म्ड है लेकिन ऐसे क्यों लिखा गया, आपने कभी सोचा? नहीं सोचा तो मैं आपको बता दूँ, दो चीज़ें होती हैं ऐसा पोएट के लिखने का पीछे राज। पहला जो है वो है इलिजन, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ELISION, इलिजन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट हैज एन ओमिटिंग लेटर, एक लेटर ओमिट किया जाता है इसमें, लेटर जब ओमिट किया जाता है तो इलिजन होता है, वर्ड अगर ओमिट किया जाता है, वर्ड अगर हटाया जाता है तो इलिप्सिस होता है। पिछले वीडियो में मैंने इलिप्सिस के बारे में बताया था, इलिजन के बारे में ना पता हो तो आप वीडियो जो फिगर ऑफ स्पीच का मैंने बनाया है उसे आप जरूर देखिएगा। और दूसरा ये होता है कि कभी कभी जो पोएम होता है, हालांकि ये जो है वो फ्री वर्स है, ये पोएम फ्री वर्स है, फ्री वर्स का मतलब होता है कि जिसमें राइमिंग स्कीम ना हो, जिसमें मीटरें भी ना हो, नो राइमिंग स्कीम नो मीटर, तो फ्री वर्स होता है। वैसे वाट विटमैन जो है फ्री वर्स बहुत लिखा करते हैं, इनके बहुत सारे पोएम्स फ्री वर्स में ही हैं, तो ये भी एक फ्री वर्स है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये रानी पानी का कोई मैटर नहीं, जैसे शोअर ट्रांसलेटेड रेन द, ये नहीं मैच नहीं करता, इसलिए ये राइम्ड नहीं है इसमें, इसलिए ये आपका जो है वो है फ्री वर्स। तो मैंने आपको दूसरा ये बताया कि कभी कभी ऐसा होता है जब ये फ्री वर्स नहीं होता है, जब उसमें मीटर होता है, मीटर होता है, तो एक मीटर एक सिलेबल को कम करने के लिए ये महोदय जो है एक लेटर को गायब कर देते हैं, वो भी ऐसे लेटर को जो कि वाविल होता है, तो मैक्सिमम वाविल को ही गायब करते हैं। जिसमें फॉर्म्ड अगर देखें तो FORMED है, ई नामक वाविल को हटाने से एक सिलेबल हट जाता है, तो अगर इस वाले लाइन में 11 सिलेबल हो गए हों तो ये ऐसे लिख करके एक सिलेबल हटा देंगे और वो 10 हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा आपका पेंटामीटर। पेंटामीटर आपको इसको जानने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ें क्या होती है पेंटामीटर या मीटर जो भी होता है। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करने। अब देखिए तो यहाँ पे लिखा एंड एंड एंड, ये एनाफोरा है, आप पढ़े होंगे एनाफोरा। और आपको नहीं पता होगा एनाफोरा क्या होता है तो आप फिर से वीडियो को, मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को देख लीजिएगा, ANAPHORA। राइटिंग बड़ी अच्छी है मेरी यहाँ पे भी, इसलिए आप इसको थोड़ा अन्यथा में मत लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स है ये लाइन, क्योंकि लिखा है ड्राफ्ट टॉम इज द जस्ट लियर्स। एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स मतलब होता है जब वो आरोही क्रम में चले, और एंटी क्लाइमेक्स मतलब होता है जब वो अवरोही क्रम में चले, डिसेंडिंग ऑर्डर और एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर जा रहा है, इसलिए ये एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स को कंफर्म करने के लिए आपको फिर से वही जाना पड़ेगा, ANTICLIMAX। तो इस तरीके से ये फिगर ऑफ स्पीच हुए। अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शेयर कमेंट सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।